अगर एक नया स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो अंडर 40,000 रुपीज़, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको अपनी पसंद का और अपनी रेंज के अंदर जो 40,000 है उसके अंदर एक परफेक्ट स्मार्टफोन इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। सो कुछ 6 स्मार्टफोन मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप परचेज कर सकते हो अंडर 40,000 रुपीज़। हमारी ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो शेयर कर देना। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करता हूँ। मैं हूँ आनंद सिंह, ये है टेक्निकल लाइफ, चलिए शुरू करें। और वीडियो में हम लोग आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं जितने भी स्मार्टफोन्स आपको बताने वाला हूँ और आपको रेकमेंड करने वाला हूँ वो सभी 5G स्मार्टफोन है, मतलब सभी में आपको 5G सपोर्ट मिलेगा। सो नॉर्मल सी बात है, आप 40,000 के अंदर कोई भी स्मार्टफोन परचेज करोगे तो वो 5G होना चाहिए। तो हमारी इस लिस्ट में जो सबसे पहला स्मार्टफोन निकल के आता है वो है Nothing Phone 1। तो नथिंग फोन 1 जो है ये यहाँ पे कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 778 प्लस के साथ आता है। इसकी जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे OLED 120 हर्ट्ज की HDR10 प्लस सपोर्टेड 6.55 इंचेस की डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। एंड इस पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। एंड साथ ही में ये IP53 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। ये स्मार्टफोन जो है रियर डुअल कैमरा सेटअप के साथ आता है। जो पहला सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है 50 मेगापिक्सल का, एंड जो दूसरा सेंसर भी है वो भी आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा लेकिन अल्ट्रा वाइड। एंड यहाँ पे जो इसका फ्रंट कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। ये अपने साथ 4500 mAh की बैटरी लेके आता है जिसमें आपको 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा एंड 5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको नथिंग फोन 1 में मिल जाएंगे एंड 5G कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। एंड इसमें कौन से 5G बैंड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N77 एंड N78। तो ये सारे बैंड्स आपको नथिंग फोन 1 में देखने को मिल जाएंगे। और जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे नथिंग फोन 1 की जो प्राइसिंग है ऑनलाइन वो है 33,999 रुपीज। अब हम लोग मूव करते हैं अपने लिस्ट के सेकंड स्मार्टफोन के ऊपर जो कि है OnePlus 10R 5G। ये जो है MediaTek Dimensity 8100 5G के साथ आता है। इसमें आपको फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज की है और HDR10 प्लस सपोर्ट करती है। 6.7 इंचेस की इसकी डिस्प्ले है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। इसमें जो आपको रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो पहला सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का, दूसरा सेंसर है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइल्ड एंड जो तीसरा सेंसर है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। ये 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है जिसमें आपको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग सुपर वूक का सपोर्ट मिलेगा। एंड एक और वेरिएंट आता है इसमें जिसमें आपको 150 वॉट का आपको सुपर वूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। बट उस वेरिएंट को अगर आप लोगे तो उसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी। स्टीरियो स्पीकर्स का भी आपको सपोर्ट OnePlus 10R 5G में देखने को मिल जाएगा। ये भी 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है एंड इसमें आपको N1, N3, N5, N8, N40, N41, N77 और N78 बैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इसकी जो प्राइसिंग आपको पे करनी पड़ेगी वो है 34,999 रुपीज़। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड नंबर के स्मार्टफोन की तरफ जो कि है Realme GT Neo 3। ये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 8100 के साथ आता है, AMOLED 120 हर्ट्ज वाली जो HDR10 प्लस सपोर्ट करती है। 6.7 इंचेस की डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ। इसमें जो आपको रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है उसमें जो पहला सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का, जो दूसरा सेंसर है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जो तीसरा सेंसर है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 16 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। ये अपने साथ लेके आता है 5000 mAh की बैटरी जिसमें आपको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट आपको Realme GT Neo 3 में देखने को मिल जाएगा। 5G कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी जिसमें आपको N1, N3, N5, N8, N40, N41, N77, N78 और साथ ही में N28A
बैंड आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी Realme GT Neo 3 की वो है 37,000 rupees। एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ नंबर के स्मार्टफोन की तरफ जो कि है Xiaomi की तरफ से आने वाला Mi 11T Pro। ये स्मार्टफोन जो है Qualcomm Snapdragon 888 के साथ आता है। इसमें आपको AMOLED Dolby Vision वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि 120 Hz की है, HDR 10 Plus सपोर्ट करती है, 6.67 इंचेस की है एंड इसमें आपको Corning Gorilla Glass Victus की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। एंड इसमें जो आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा रियर में, वहाँ पे जो पहला सेंसर है वो है 108 मेगापिक्सल का एंड जो दूसरा सेंसर है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड जो तीसरा सेंसर है वो है 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मैक्रो सेंसर। 16 मेगापिक्सल आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी इस स्मार्टफोन में है जिसे आप चार्ज कर सकते हो 120 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट आपको Mi 11T Pro में देखने को मिलेगा बट ये नॉर्मल स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, इसको ट्यून किया है Harman Kardon ने एंड 5G की जो कनेक्टिविटी है वो आपको इस स्मार्टफोन में भी देखने को मिलेगी एंड आपको N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N77 और N78 बैंड्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसकी जो प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी वो है 38,000 rupees। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लिस्ट के फिफ्थ स्मार्टफोन की तरफ जो कि है सैमसंग की तरफ से आने वाला गैलेक्सी S20 FE। ये स्मार्टफोन जो है Qualcomm Snapdragon 865 के साथ आता है। इसमें आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है 120 हर्ट्ज वाली, HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलता है, 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है एंड Corning Gorilla Glass 3 की इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और IP68 की भी प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इसमें जो आपको रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है वो है 12+8+12, मतलब 12 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा एंड ये स्मार्टफोन 4500 mAh की बैटरी के साथ आता है जिसे आप चार्ज कर सकते हो 25 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। 15 वॉट की फास्ट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको मिलेगा एंड 4.5 वॉट का आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट आपको S20 FE में देखने को मिल जाएगा एंड 5G कनेक्टिविटी भी आपको S20 FE में देखने को मिलेगी एंड इसमें आपको N1, N3, N41, N77, N78 एंड N79 बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। और आपको सैमसंग गैलेक्सी FE की जो प्राइस पे करनी पड़ेगी वो करीबन आपको 40,000 rupees पे करनी पड़ेगी। और इसी के साथ अब हम लोग आ जाते हैं अपने लिस्ट के लास्ट स्मार्टफोन की तरफ जो कि है Motorola Edge 30 Pro। ये स्मार्टफोन जो है ये आपको 40,000 से थोड़ा सा ज्यादा महंगा देखने को मिलेगा बट हो सकता है किसी ऑफर में, किसी सेल में ये आपको 40,000 के अंदर भी मिल जाए। इसकी प्राइस मैं आपको लास्ट में बता दूंगा बट ये स्मार्टफोन जो है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 के साथ आता है। OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है 144 हर्ट्ज की HDR 10 प्लस सपोर्ट के साथ, 6.7 इंचेस की डिस्प्ले है एंड इसमें आपको Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, IP52 वाटर रेपेलेंट डिजाइन देखने को मिलता है एंड इसमें जो आपको रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा वो है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलेगा बट यहाँ पे जो इसका फ्रंट कैमरा है वो है 60 मेगापिक्सल का। ये जो स्मार्टफोन है 4800 mAh बैटरी के साथ आता है, 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड फास्ट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो कि है 15 वॉट की एंड 5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा एंड 5G कनेक्टिविटी भी आपको Motorola Edge 30 Pro में देखने को मिलेगी बट यहाँ पे आपको बैंड्स जो हैं 13 बैंड्स देखने को मिलेंगे। मैंने हर जगह पता किया बट मुझे यहाँ पे कौन से बैंड्स हैं इसके अंदर वो नहीं पता चला बट कंपनी की तरफ से ये कहना है कि इसमें आपको 13 5G बैंड्स देखने को मिलेंगे। और Motorola Edge 30 Pro की जो आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी वो है 43,000 rupees। वैसे तो मैंने सभी स्मार्टफोन्स आपको बता दिए जो कि हमारे लिस्ट में थे बट मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और स्पेशल बोनस स्मार्टफोन जो कि सैमसंग की तरफ से आता है, सैमसंग E73 एंड इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर देखने को मिलता है, सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि 120 हर्ट्ज की है एंड 6.7 इंचेस की आपको ये डिस्प्ले देखने को मिलेगी, Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है, IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी एंड इसमें जो रियर कैमरा सेटअप है जो मेन सेंसर है उसमें वो है 108 मेगापिक्सल का, जो सेकंड सेंसर
है वो है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जो थर्ड सेंसर है वो है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, एंड जो फोर्थ सेंसर है वो है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ। एंड इसमें जो फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है आपको वो है 32 मेगापिक्सल का, 5000 एमएएच बैटरी के साथ आता है, 25 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, एंड 5G कनेक्टिविटी भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको N1, N3, N5, N7, N28, N40, N41, N66 और N78 बैंड देखने को मिल जाएगा। और ये जो सैमसंग गैलेक्सी A73 है इसे आप परचेज कर सकते हो 42,000 रुपीज में। सो ये है वो 7 स्मार्टफोन, अगर आपका बजट है अंडर 40,000 या उसके आसपास तो आप इन्हें परचेज कर सकते हो और ये बेस्ट स्मार्टफोन है अगर आपका बजट जो है 40,000 के अंडर है या उसके आसपास है। सो इसी के साथ मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको अपनी पसंद का स्मार्टफोन पता चल गया होगा कि आपको कौन सा परचेज करना है अंडर 40,000। और हमारी लिस्ट के जो लास्ट के दो स्मार्टफोन थे उनकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा थी 40,000 से, जो एज 30 प्रो था और A73 जो था। एज 30 प्रो करीबन 43 का था एंड A73 जो है 42 का था, बट ऑफर्स में सेल्स में हो सकता है ये आपको 40,000 के अंडर देखने को मिल जाए। सो इसी के साथ मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज यार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हमारे 10,000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द होने वाले हैं आप सबकी सपोर्ट की वजह से, तो प्लीज यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।